स्वच्छता में देश का नंबर वन शहर इंदौर यूं ही नहीं कहलाता। नंबर वन बनने के लिए मेहनत भी करनी पड़ती है और उसमें वाकई इंदौर का जवाब नहीं। लगभग 6 घंटे इंदौर के लाखों लोग एक साथ गैर रंग पंचमी का उत्सव मनाते हैं, लेकिन जैसे ही ये उत्सव खत्म होता है, नगर निगम का अमला युद्ध स्तर पर जुट जाता है। यहाँ 25 से ज्यादा सफाई मशीनें और 500 सफाई मित्रों ने मोर्चा संभाला। राजवाड़ा पर सफाई के बाद ट्रकों में भरकर कचरा निकलता है। सड़क पर बनी गुलाल की लेयर को नगर निगम कर्मी प्रेशर मशीन से साफ करते हैं। इसी जुनून के बदौलत इंदौर सफाई में पिछले 7 साल से नंबर 1 पर है। स्वच्छता इंदौर की आदत में शुमार है, स्वच्छता इंदौर का जुनून है। सफाई को लेकर कितनी मशीनरी हमने यहाँ पे लगाई है, कितना मैन पावर लगाया गया? अभी हमने देखा कि एक ऐतिहासिक गेर का आयोजन हुआ है और हमारी पूरी नगर निगम की टीम पूरे मोटिवेशन के साथ जुटी हुई है। यहाँ लगभग 25 से ज्यादा मशीनें राजवाड़ा क्षेत्र में काम कर रही हैं और हमारे लगभग 500 कर्मचारी यहाँ पे काम कर रहे हैं और सभी के अंदर पूरी उत्साह है और अपने इंदौर शहर को स्वच्छता में नंबर वन लाने की और साबित करने की हर समय जो एक हमारे चैलेंज रहता है, हमारी पूरी टीम पूरी मोटिवेशन के साथ लगी हुई है। पब्लिक कितना सपोर्टिव है सर, क्योंकि मेन तो उनका सपोर्ट जरूरी है और आज त्यौहार का माहौल भी है। नहीं देखिए, इंदौर के जो इंदौर के निवासी हैं, वो उनका सहयोग हमेशा मिलता रहा है, उनके सहयोग से ही हम लोग नंबर वन आ पाते हैं और निश्चित ही इंदौर के निवासियों द्वारा ना सिर्फ स्वच्छता में बल्कि हमारी हर गतिविधियों में हमको सहयोग मिलता है। तो मैं आपके माध्यम से उन सभी लोगों को धन्यवाद कहूँगा और मैं उनको विश्वास दिलाना चाहूँगा कि नगर निगम से हम लोग निरंतर ऐसी बेहतर से बेहतर सुविधाएं देने की कोशिश करते रहेंगे। आखिरी सवाल, आपको कैसा लगा आज रंग पंचमी का पूरा ये माहौल देखे इंदौर का? नहीं, बहुत खुशी का मौका है और मैं वही कह रहा हूँ कि इस ऐतिहासिक गैर को देखने का सौभाग्य मिला, मैं बहुत खुश हूँ। दरअसल इंदौर को साफ बनाने में वहाँ के लोगों के साथ साथ नगर निगम की भूमिका भी बड़ी है। जन भागीदारी की वजह से इंदौर को लगातार ये खिताब मिलता आ रहा है। बीच बीच में नगर निगम और शहर के जनप्रतिनिधि इसे लेकर अभियान चलाते रहते हैं। इंदौर के लिए ये एक बड़ी उपलब्धि है। वहीं इंदौर की सफाई प्रणाली को देखने दूसरे राज्यों से भी लोग आते हैं।